हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मैं राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए नया वीडियो लाई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो ये मैंने हैंगिंग पॉट बनाया है फ्रेंड्स, जो अपने घर में जो पेप्सी की या मिरिंडे की जो बोतलें आती है वेस्टेज फ्रेश, उन पर मैंने कलर पेंट कर ये इस प्रकार के जो हैंगिंग पॉट बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैंने इनको कैसे बनाए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स, मैंने ये बोतल ले ली और इस प्रकार से इसका जो रैपर है वो हटा दिया है। और फ्रेंड्स, इसको बीचों बीच निशान लगाकर और इसको दो हिस्सों में काटना है, जिससे दो हैंगिंग पॉट बन जाएंगे। इस प्रकार निशान लगा के फ्रेंड्स मैं इसको कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसके बीचों बीच लाइन बनाकर दो हिस्सों में करूँगी फ्रेंड्स। और इसके लिए मैंने इस प्रकार से ये कट रहा था, इसमें काट दूँगी इसको। और फ्रेंड्स, इसको दो भाग में करना है। और फ्रेंड्स, मैंने इसको दो हिस्सों में काट लिया है। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको कट कर दिया फ्रेंड्स, और ये इसके दो हिस्से हो गए हैं फ्रेंड्स, और इससे दो हैंगिंग पॉट बन जाएंगे। इनको मैंने दो हिस्सों में कट कर लिया है फ्रेंड्स। मैंने एक बोतल के दो हिस्से कर लिए हैं और इससे मेरी दो हैंगिंग पॉट बन जाएगी। और फ्रेंड्स, इनको कलर पेंट करने के लिए मैंने इसे वाइट कलर लिया है और फ्रेंड येलो लिया है, रेड लिया है और ये ब्लैक लिया है, और एक फ्रेंड्स मैंने ग्रीन लिया है। और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ कलर है फ्रेंड्स, एशियन पेंट के हैं। और ये क्या है कि धोने पर हैंगिंग पॉट भी ख़राब नहीं होते, इसलिए मैं इनसे आपको कलर पेंट करके मैं बताऊँगी फ्रेंड्स। सबसे पहले जो इनके ऊपर एक वाइट कलर का एक कोट चढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स दोनों को ऊपर। और फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से वाइट कलर ले लिया है और दोनों ही बोतलों के ऊपर मैं वाइट कलर से एक कोट इनके ऊपर चढ़ा दूंगी फ्रेंड्स। ये देखो पूरे पे। और इनको सूखने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और फ्रेंड्स, बहुत इजी, इनको बनाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से एक एक कोड में वाइट का लगा दूंगी दोनों बोतलों पे ही। और फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है फ्रेंड्स इनको बनाना। और फिर दोनों बोतलों पे मैं इसको एक एक कोट लगा के और सुखा देती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने इस पर वाइट कलर किया था एक एक हाथ का, जो वो सूख चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसके जो नीचे वाले हिस्सा है ना फ्रेंड्स, ये वाला, तो यहाँ पर मैं एक रेड की बॉर्डर करूँगी फ्रेंड्स नीचे नीचे। और फ्रेंड्स, इस ऐसे रेड कलर करना है फ्रेंड्स, दो इंच तक नीचे नीचे के में, जो नीचे का ये हिस्सा, और रेड बहुत अच्छा लगता है इसे फ्रेंड। और मैं इसमें पूरे पे कर लूँगी। और फ्रेंड्स, एक ही हाथ करना है नीचे का और इसको सूखने के लिए फ्रेंड्स मैं छोड़ दूंगी अभी। और इस प्रकार से एक एक हाथ करके इसको मैंने सूखने के लिए छोड़ रही हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये दूसरी वाली, दूसरा जो हिस्सा है फ्रेंड्स बोतल का, इस पर भी कलर कर देते हैं नीचे नीचे का, और ये भी सेकंड वाला हैंगिंग पॉट बन जाएगा। और कलर फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कोई से भी।
और इसमें भी फ्रेंड्स करके और इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स ये वाटरप्रूफ कलर है एशियन पेंट के, और ये क्या धुल जाते हैं आराम से और ख़राब भी नहीं होते। उनको और फ्रेंड्स मैंने इस पर ये रेड कर लिया है नीचे, और फ्रेंड्स जो नीचे वाले जो हिस्सा था फ्रेंड्स इसमें भी मैंने ये नीचे रेड कर लिया है, और फ्रेंड्स मैं ऊपर भी एक लाइन रेड की कर दूंगी फ्रेंड्स दोनों में ही, और इससे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लुक आएगा। थोड़ा आराम से करना है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैंने ऊपर नीचे ये रेड की बॉर्डर लगा ली है, और जो दूसरी वाला पोर्ट का हिस्सा है फ्रेंड्स इस पर भी मैं नीचे कर लिया है और ऊपर भी एक लाइनिंग रेड की कर लेती हूँ, इससे क्या बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैंने ये दूसरी वाली बोतल का हिस्सा था फ्रेंड्स इस पर भी मैंने रेड का और दोनों तरफ रेड कर दिया, और फिर फ्रेंड्स बीच में डिजाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इनके लिए सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और फ्रेंड्स इसको भी मैंने इस प्रकार दोनों को रेड के ऊपर लीजिए बॉर्डर कर दिए, और फ्रेंड्स मैंने अब इस पर ब्लैक की आउटलाइन एक और बना देती हूँ। और फ्रेंड्स हल्का हल्के हाथों से बनाना है, और फ्रेंड्स मैं रेड के बाद में इन दोनों ऊपर नीचे फ्रेंड्स ब्लैक की आउटलाइन बना दूंगी इन पर, और फ्रेंड्स हल्के हल्के हाथों से बनानी है। और इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं नीचे भी बना रही हूँ, और फ्रेंड्स ये दूसरा वाला हिस्सा है तो फ्रेंड्स इस पर भी आउटलाइन ब्लैक की बना देते हैं, और दोनों ही पोर्ट पर सेम डिजाइन बनाऊंगी फ्रेंड्स मैं। और फ्रेंड्स दोनों पे तैयार कर लेती हूँ मैं, और फ्रेंड्स मैंने ऊपर और यहाँ बीच में आउटलाइन कर लिए ब्लैक की, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी ऊपर की जो किनोर है यहाँ पर भी मैं एक ब्लैक की आउटलाइन बना दूंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हल्के हल्के हाथों से बनाना पड़ रहा है क्योंकि कलर का थोड़ा सा डर लगता है फैलने का। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से मैंने ये दूसरे वाले हैंगिंग पोर्ट पर भी मैंने ऐसे आउटलाइन कर ली है, और फ्रेंड्स डिजाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स इस प्रकार से धीरे धीरे से ब्लैक की आउटलाइन करनी है,
और फ्रेंड्स मैं पूरे में करके आपको बताती हूँ अभी। और फ्रेंड्स ऐसे ही पूरी तिरछी तिरछी लाइन इसमें कर रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स मैं इस पे पूरी पे ही आउटलाइन कर दी है। और फ्रेंड्स जैसे लहरी की डिजाइन होती है ना, वैसे ही इसको बहुत सरल है फ्रेंड्स, ज़्यादा कठिन नहीं है। पर ये है कि फ्रेंड्स थोड़ा धीरे धीरे बनाना पड़ता है इसको, कलरों का थोड़ा सा फैलने का डर लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी तरह से इस पे एक तरह से यू कर ली है। अब फ्रेंड्स मैं इसको तिरछी यू इस प्रकार से ये करूँगी। और फ्रेंड्स ऐसे इसमें तिरछी करना है जिससे ये वाली डिजाइन का शेप आ जाएगा। और बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, ज़्यादा कठिन नहीं है। और एक तो फ्रेंड्स क्या है, जैसे वेस्टेज बोतल होती है फ्रेंड्स, इनसे है ना हैंगिंग पोटी बन जाते हैं और यूज में भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स मैं सारे में मैं इस प्रकार से कर लूँगी। और इसी प्रकार से मैं फ्रेंड्स ये दूसरा वाला डिब, और फ्रेंड्स इस पे पूरे पे ही मैं इस प्रकार से तिरछी लाइन करके, और फ्रेंड्स ये एक तरह से डिब्बे टाइप की डिजाइन बन चुकी। और फ्रेंड्स ये जो दूसरा वाला जो पोर्ट है फ्रेंड्स, इसी पर पे मैं जैसे ऐसे किया है फ्रेंड्स, इस पर भी इस प्रकार तैयार कर लूँगी अभी। फ्रेंड्स मैंने पूरे पर इस प्रकार से लाइनिंग कर ली है तिरछी वाली। और फ्रेंड्स जो ये डिजाइन बनाई है ना फ्रेंड्स, आप अपने पसंद से कोई से भी कलर इनके अंदर भर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं जो बीच वाला डब्बा है इसके अंदर मैं येलो कलर भरूंगी। आप अपने हिसाब से कोई से भी कलर ले सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बहुत ही सरल है। और फ्रेंड्स मैं पूरे पे ये येलो कलर की बीच की जो डिब्बा है फ्रेंड्स ये वाला, इसमें मैं पूरे में ही येलो कलर एक लाइन घुमा दूंगी। आप अपने हिसाब से कोई से भी कलर चूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं पूरे पे करके आपको बताती हूँ अभी। और फ्रेंड्स मैं इस पे एक लाइन पूरी येलो की कर दिए बीच बीच की। और फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने पूरे पे ये एक लाइन येलो की कर दी है। और फ्रेंड्स मैं इस पे जो ऊपर वाला जो ये वाला डिब्बा है ना फ्रेंड्स, इसमें मैं ये आसमानी कलर कर दूंगी फ्रेंड्स। और एक लाइन इसकी थोड़ा आराम आराम से करना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पूरे में ही इस प्रकार से करना है ऊपर की लाइन में फिरोजी कलर। फ्रेंड्स मैं करके बताती हूँ अभी आप। और फ्रेंड्स जो ये नीचे वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, इसमें भी यही वाला कलर करूँगी, दो ही कलर का शेड रहेगा फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्टकट में इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा इसमें कलर फैलने का, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा धीरे धीरे से बनाना पड़ता है इसको। और फ्रेंड्स ऊपर नीचे फिर मैंने ये डिजाइन कर लिए है और फिर इस पर ब्लैक की आउटलाइन अच्छे से बन जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने इस प्रकार से पूरे में ही ये कर लिया है। और फ्रेंड्स ये जो नीचे वाले खाने हैं फ्रेंड्स, इनमें भी मैं येलो कलर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने दो ही कलर का ये करा है इसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा, और फ्रेंड्स थोड़ा धीरे धीरे से करना पड़ता है। और फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह की वेस्टेज बोतलों से घर में आप भी बनाइए। और फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने इसको भी कर दिया है। और फ्रेंड्स मैंने इस प्रकार से ये दोनों दो कलरों से इनको भर दिया है। अब जैसे ब्लैक कलर की है फ्रेंड्स, एक एक लाइन इसे सीधे से कर दूंगी, अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। लास्ट में इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि थोड़ा कलर इधर उधर हो जाता है ना, तो इससे क्या अच्छे से लाइनिंग आ जाएगी, अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या आराम से करना है धीरे धीरे से, और ब्लैक की आउटलाइन और फ्रेंड्स देखो कितनी फिनिशिंग से सफाई दिख रही है फ्रेंड्स। अब तो सारे पे मैं इस प्रकार से ये कर लेती हूँ फ्रेंड्स एक बार, फिर दोबारा से आउटलाइन करने से जो कलर इधर उधर हो गए थे ना, तो फ्रेंड्स इससे सही हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये ब्लैक से आउटलाइन दोबारा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स कलर बिखर जाते हैं इधर उधर से, तो इससे क्या अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और बिल्कुल शेप आ जाता है बिल्कुल। और पूरे में ऐसे ही अच्छे से एक एक लाइन आउटलाइन की ये कर दिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं बीच में वाइट से डॉट्स बना देती हूँ इस ऐसे, और फ्रेंड्स धीरे धीरे से बनाना है। और फ्रेंड्स मैंने सारे पे ही वाइट के डॉट्स लगा लिए हैं। और फ्रेंड्स इनके ऊपर में ब्लैक की और एक डॉट अंदर लगाऊंगी इनके। जिससे क्या फ्रेंड्स और अच्छे से ये शाइनिंग करेगा। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स मैं वाइट के ऊपर ये हल्की हल्की सी ब्लैक की डॉट लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये जो सेकंड वाला है फ्रेंड्स, इसको भी मैंने इस प्रकार से तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स मैं इसमें भी कलर भर के आपको मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें ये वाले में फ्रोजी कलर, इसमें फ्रेंड्स मैंने फ्रोजी और येलो का कॉम्बिनेशन बिठाया है। और बिल्कुल सेम उसी की तरह है फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से कोई से भी कलर ले सकते हो। और फ्रेंड्स जो बीच इससे नीचे वाले में फ्रेंड्स, इसमें मैं येलो कलर भर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये डिजाइन बहुत ही सरल है।
बस आपको लाइनिंग करनी है ब्लैक से। और फ्रेंड्स कलर पेंट करने से क्या है, एक तरह से बोतल का भी सदुपयोग हो जाता है और घर में भी सुंदरता आ जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैं इसमें भी येलो कलर कर लिया है। और फ्रेंड्स मैं जो ये एक जो खाना है फ्रेंड्स ये वाइट का ही छोड़ूंगी मैं इसमें, और ये फ्रेंड्स छोटे वाले हैं इनमें मैं येलो कलर भर दूंगी फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स तीन का हो जाएगा। और फ्रेंड्स कलर आपके हिसाब से आप कोई से भी ले सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस पे भी इस प्रकार से ये ना जो आउटलाइन करनी है ब्लैक की दोबारा से। और फ्रेंड्स इस पे एक बार से वाइट ब्लैक की आउटलाइन बना रही हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स दोबारा इसलिए बना रही हूँ, और फ्रेंड्स दोबारा से आउटलाइन पूरे पे करने से अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है फ्रेंड्स। और इस प्रकार मैं पूरा ही तैयार करके आपको दिखाती हूँ अभी। और फ्रेंड्स ये इस प्रकार से ये पूरे में कर दूंगी फ्रेंड्स में। और फ्रेंड्स देखो कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में, देखो अब इसमें भी डॉट्स लगाऊंगी फ्रेंड्स में। जो ये ऊपर वाली लाइन है फ्रेंड्स यहाँ पर डॉट्स लगा देते हैं ब्लैक के। और फ्रेंड्स ब्लैक रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसको पूरे में ही लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स मैंने ऊपर ब्लैक की डॉट्स लगा दी है। अब फ्रेंड्स ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर वाइट की डॉट्स लगा देते हैं। फ्रेंड्स इससे बहुत अच्छा लुक लगेगा इसका। और फ्रेंड्स मैंने चारों तरफ इसकी वाइट्स की डॉट्स लगा दी इसमें। और फ्रेंड्स मैं इनमें बीच में रेड की डॉट्स लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स इससे अलग ही लुक आ गया इसका। और फ्रेंड्स मैं आपको पूरे पे करके बताती हूँ अभी। और फ्रेंड्स पूरे पे ही रेड की डॉट्स लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स देखो पूरी तरह से ये तैयार हो चुका है और एक हैंगिंग पॉट बन गया है फ्रेंड्स देखो। और फ्रेंड्स ये दूसरा वाला है जो नीचे वाला पार्ट है इसमें भी फ्रेंड्स वाइट की डॉट्स लगा लेते हैं नीचे। और फ्रेंड्स मैं पूरे में लगा लेती हूँ अभी।
और देखो फ्रेंड्स लगा ले कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स ब्लैक की डॉट लगा कर और फ्रेंड्स दूर दूर ये ब्लैक की डॉट्स लगाकर और साइडों में ब्लैक वाइट के करने हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो पूरे में लगा लिया मैंने, तैयार हो चुका है फ्रेंड्स ये देखो ऐसे अच्छे से। और फ्रेंड्स जो मैंने वाइट के ऊपर ये ब्लैक की डॉट्स लगाई फ्रेंड्स मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो फ्रेंड्स मैं इस पर वाइट ही कर रही हूँ वापस से, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड्स इसमें ये। और फ्रेंड्स मैं पूरे पे इस पे इनको वाइट में कर दूंगी ये वाली डॉट्स को। और फ्रेंड्स मैंने वाइट के ऊपर रेड की डॉट्स लगाई है, पहले वाली फ्रेंड्स मुझे अच्छी नहीं लगी जो मैंने चेंज कर दिया इस बार ये वाला, अब रेड का अच्छा लग रहा है इस पे दो शेड में। और फ्रेंड्स बिल्कुल वाटर प्रूफ कलर है ये, एशियन पेंट के आते हैं ना फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इनको कितना भी धो कलर नहीं जाएगा इनका। और फ्रेंड्स देखो कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में फ्रेंड्स इस वाले पोर्ट के अंदर है ना, जो फ्रेंड्स मैंने जो क्रोटोन की कटिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैंने फ्रेंड्स छेद कर लिए हैं ये देखो ये इस प्रकार से। और फ्रेंड्स होल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पानी निकल जाता है और जड़ ख़राब नहीं होती है, तो फ्रेंड्स इनको मैं कंकरों से कवर कर देती हूँ। और फ्रेंड्स इसमें मैं क्रोटोन की कटिंग लगा देती हूँ, और फ्रेंड्स इसमें मैंने होल कर लिए थे और उनको मैंने गिट्टी से कवर कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स इसमें मिट्टी भर लेते हैं, और फ्रेंड्स मैंने इसमें मिट्टी भर ली है, और इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने ये जो क्रोटोन की कटिंग है ना फ्रेंड्स मैंने पानी में भिगो कर रख रखी थी, जिसकी ये इस प्रकार की ये जड़ निकल कर ये तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, तो मैं इसको इस पॉट के अंदर लगा दूँगी। फ्रेंड्स मैंने कटिंग को इसको बीच में रख ली है, और इसमें हल्के हल्के से इसके अंदर मिट्टी डालनी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्रोटोन की कटिंग को पानी में 20 से 25 दिन में इसमें जड़ें निकलने लग जाती है फ्रेंड्स, और ये मैंने इसमें लगा दिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके अंदर पानी डाल देते हैं, और फ्रेंड्स जब भी पौधा लगाओ तो एक बार में फिर अच्छे से इसमें पानी डालना है, और फ्रेंड्स इसमें पानी डाल देंगे, और पानी तब तक डालना है फ्रेंड्स जब तक नीचे से पानी निकल जाए। और फ्रेंड्स मेरे दूसरा वाला जो हैंगिंग पॉट था फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने ये मनी प्लांट लगा दिया है, और ये भी तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स मैंने देखो इस प्रकार से वेस्टेज बोतलों से देखो कितने अच्छे से पॉट बन गए। और फ्रेंड्स एक में तो मैंने क्रोटोन की कटिंग लगा दी है, और ये दूसरे वाले में फ्रेंड्स मैंने जो मनी प्लांट लगा दी है, और दोनों ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरीके की जो वेस्टेज बोतल पड़ी रहती है फ्रेंड्स इनका भी आपका सदुपयोग हो जाएगा, और आप भी इस प्रकार अपने घर में बनाकर अपने जो छोटे छोटे
मनी प्लांट वगैरह होते हैं उनको लगाकर इस प्रकार से हैंगिंग कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स बनाने के बाद में। और फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।